हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। अगर आपको किसी से कार उधार लेनी है, आपको इंग्लिश में किस तरीके से बोलना है, ये आज हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बोरोइंग अ कार, कार उधार लेना। पिताजी, क्या मैं आपकी कार उधार ले सकती हूँ? डैड, कैन आई बोरो योर कार? आप मेरी कार क्यों लेना चाहते हैं? आप मेरी कार क्यों लेना चाहते हैं? वाई डू यू वॉन्ट माई कार? मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा रही हूँ। आई एम गोइंग ऑन अ पिकनिक विथ माई फ्रेंड्स। आई एम गोइंग ऑन अ पिकनिक विथ माई फ्रेंड्स। पिछली बार जब आपने इसे उधार लिया था तो आपका एक्सीडेंट हो गया था और दरवाजे पर कई खरोचे आई थी। लास्ट टाइम यू बोरोड इट यू हैड एन एक्सीडेंट एंड देयर वर मेनी स्क्रैचेज ऑन द डोर। Last time you borrowed it, you had an accident and there were many scratches on the door. मैं वादा करती हूँ कि मैं इस बार सावधानी से गाड़ी चलाऊंगी। I promise I will drive carefully this time. I promise I will drive carefully this time. और पेट्रोल टैंक लगभग खाली था। And the petrol tank was almost empty. And the petrol tank was almost empty. घर पहुंचने से पहले मैं इसे भर दूंगी। I will fill it up before I get home. I will fill it up before I get home. तो ठीक है, लेकिन मुझे कल रात 8 बजे कार चाहिए। Okay then, but I need the car at 8 PM tomorrow. Okay then, but I need the car at 8 PM tomorrow. महान, धन्यवाद पापा। मैं 7:30 बजे तक घर आ जाऊंगी। ग्रेट, थैंक्स डैड। आई विल बी होम बाय 7:30। ग्रेट, थैंक्स डैड। आई विल बी होम बाय 7:30। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।